हेलो स्टूडेंट, वेलकम। चैप्टर नंबर वन, नोविंग नंबर, एक्सरसाइज नंबर 1.1। क्वेश्चन वन, फिल इन द ब्लैंक। अवर फर्स्ट ब्लैंक इज 1 लाख इज इक्वल ब्लैंक 10,000। तो इसका आंसर हमको नीचे दिया गया है 10, ये पहला वाला 10,000। दूसरा है 1,000,000 इज इक्वल टू ब्लैंक 100,000, तो उसमें भी आएगा ये दूसरा वाला 10, इसमें भी 10 आंसर ही आएगा। उसके बाद 1 करोड़ इज इक्वल टू ब्लैंक 10 लाख, तो उसमें भी 10 आंसर आएगा। डी, 1 करोड़ इज इक्वल टू ब्लैंक 1,000,000, तो उसमें भी 10 आंसर आएगा। 1,000,000 इज इक्वल टू लाख, तो उसमें भी 10 आंसर आएगा। तो सभी के अंदर 10 10 10 10 10 10 जवाब आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर टू, प्लेस कोमास करेक्टली एंड राइट द नंबरल्स। आपको कोमा करेक्ट जगह पर रखना है। मैंने आपको सिखाया था कि दो प्रकार के कोमा आते हैं, उसमें पहला है इंडियन नंबराइजेशन और दूसरा है इंटरनेशनल नंबराइजेशन। तो इधर हमें ऐसा कुछ पर्टिकुलर कहा नहीं गया है, इसलिए यहाँ हम इंडियन नंबराइजेशन सिस्टम के मुताबिक चलेंगे। तो चलो ए हम देखते हैं कि 73,75,307। 73 लाख बोला है, नीचे आपको आंसर दिया गया है, तो 73 यानी सबसे पहले आप लिखेंगे 73, उसके बाद 75 को हम लिखेंगे 75, उसके बाद 307, तो 307 ऐसा हमारा आंसर होगा। अभी उसमें क्या है, कोमा हमें कोमा करेक्ट जगह पर डालना है। तो इंडियन नंबरेशन सिस्टम के अनुसार कोमा कैसे लगता है, तो 1,10,000 उसके बाद एक कोमा, फिर 2 अंक के बाद कोमा, इसलिए 1,2 उसके बाद कोमा। समझ में आ गया, नीचे आपको आंसर दिया गया है। दूसरा बी, 9,05,41, तो 9,05,00,000 यानी 5,05,41, सो 0,0,0,4,1। अभी नंबर हम कोमा डालेंगे, तो 1,10,000 उसके बाद कोमा, उसके बाद 2 अंक के बाद कोमा और 2 अंक के बाद कोमा। आपको नीचे आंसर दिया गया है, देखो 1,10,000 के बाद कोमा, फिर 2 डिजिट के बाद कोमा, फिर 2 डिजिट के बाद कोमा। अभी आगे 7,52,21,302 यानी कि 7 करोड़ यानी 7, उसके बाद 52 लाख, तो 52, उसके बाद 21,000, तो 21, और 302, तो 3,002 ऐसा होगा। और कोमा कैसे लिखना है, तो इधर नीचे आपको दिया गया है कि 1,10,000 के बाद कोमा, फिर 2 अंक के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा। अभी डी, 58,423,202 ये हमें इंटरनेशनल नंबरेशन में दिया गया है, 58 मिलियन, तो 58 मिलियन, उसके बाद 423,000, तो 423,000, और उसके बाद 202, तो 202। कोमा कैसे लगेगा उसमें, तो मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल नंबरेशन सिस्टम में कोमा लगता है 1,10,000 के बाद कोमा, फिर 3 अंक के बाद, 3 डिजिट के बाद कोमा, फिर 3 डिजिट के बाद कोमा, 3 डिजिट के बाद कोमा, तो 1,10,000 के बाद कोमा, फिर 1,2,3 के बाद इधर कोमा।
आपको जो इधर दिखाया गया है आंसर में 110,000 के बाद 110,000 के बाद कोमा, फिर तीन डिजिट के बाद कोमा, ठीक है। अभी 23,30,010, तो 23,30,000, तो 30,000 और 10, तो 10 होगा 0, 10, ऐसी हमारी डिजिट होगी। सबसे पहले कोमा लिखेंगे हम 110,000 के बाद कोमा, फिर दो डिजिट के बाद कोमा, फिर कोमा। आपको नीचे इधर दिखाया गया है, देखो 110,000 के बाद कोमा, फिर दो डिजिट के बाद कोमा, फिर दो डिजिट के बाद कोमा। तो ये क्या हुआ, हमें कोमा कहाँ लगाना है, कैसा लगाना है, उसके बारे में क्वेश्चन नंबर टू था पूरा। आप कोमा ऐसे लगा सकते हैं, अगर इंडियन नंबर एसन सिस्टम के साथ लगाना है हमें कोमा, तो 110,000 के बाद कोमा, फिर दो डिजिट, टू डिजिट के बाद कोमा, फिर टू डिजिट के बाद कोमा, टू डिजिट के बाद कोमा, ऐसे आगे चलता जाएगा। और इंटरनेशनल नंबर एसन के हिसाब से लगाना है तो 110,000 उसके बाद कोमा, फिर थ्री डिजिट के बाद कोमा, थ्री डिजिट के बाद कोमा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। इंसर्ट कोमास सूटेबल एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम नंबरेशन। ये हमें इसमें कोमा लगाना है और इंडियन सिस्टम नंबरेशन के हिसाब से लिखना है। तो इसमें आपको बता ही दिया है कि इंडियन नेशनल सिस्टम, तो इंडियन नेशनल सिस्टम में क्या है, अभी आगे मैंने बात की कि 110,000 उसके बाद कोमा, फिर दो डिजिट के बाद कोमा, दो डिजिट के बाद कोमा। तो देखो पहला हमारा है क्वेश्चन, उसमें हमें कोमा पता नहीं है कहाँ लगाना है, तो पहले पीछे से जो 110,000 उसके बाद कोमा, तो इधर 7 के बाजू में कोमा लगेगा, फिर दो डिजिट 9559, तो 9 के बाजू में कोमा लगेगा, फिर 7557, तो यहाँ पे कोमा लगेगा। तो आपको नीचे आंसर में इधर दिखाया गया है 8,75,000, 75,95,762। तो नीचे आपको लिखाया गया है कि 88,75,95,762, तो ये उसका आंसर हुआ। उसके बाद दूसरा देखते हैं बी, तो बी में भी ऐसे होगा, पीछे से 110,000 उसके बाद कोमा, फिर दो डिजिट के बाद कोमा, यानी कि 4 के बाजू में कोमा, 4 और 5 के बीच में। तो उसको हम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि 85,46,283। हमें नीचे देखो इधर दिखाया गया है कि 85,46,283। आगे बढ़ते हैं, तीसरा है तो 110,000, तो 0 के बीच में कोमा लगेगा, फिर 2 0 के बाद कोमा लगेगा, फिर 9 के बाद कोमा लगेगा। तो देखो इधर नीचे हमें आंसर दिया गया है कि 9,99,46। अभी लास्ट डी वाला, तो 7 और 2 के बीच में कोमा लगेगा, ये 110,000 उसके बाद 4 और 3 के बीच में लगेगा, उसके बाद 9 और 8 के बीच में लगेगा। नीचे आपको आंसर दिया गया है 9,84,32,701। इजी है स्टूडेंट, सबसे पहले आपको कोमा रख देना है, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी संख्या है, कौन सा नंबर है। 110,000 उसके बाद कोमा, फिर टू डिजिट के बाद कोमा। अभी आगे चलते हैं एनसीईआरटी का हमारा 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। इंसर्ट कोमा सूटेबल एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार हमें कोमा लगाना है। तो
इधर हमें क्या करना है, इंटरनेशनल सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि ये 1 10,000 उसके बाद कोमा, उसके बाद 3 डिजिट के बाद कोमा, 1 10,000 कोमा 3 डिजिट कोमा 3 डिजिट कोमा 3 डिजिट कोमा, ऐसे आपको आगे बढ़ना है। तो हमारा पहला जो ए है वो है कि 7 8 9 2 1 0 9 2, तो हमें 9 1 10,000 2 9 0 के बाद कोमा लगाना है, फिर 1 2 9 के बाद कोमा लगाना है। तो ये हमें लिखने में ऐसा हो जाएगा कि 78,921,092 78,921,092 उसमें 1 10,000 के बाद अगर 3 डिजिट हम बोलते हैं तो ऐसा बोलना पड़ेगा 921,000 ऐसा बोलना पड़ेगा। इसलिए इसका जवाब होगा 78,921,092। अभी आगे बी, तो 7 4 5 2 2 8 3 ऐसा है, तो 2 8 3 के बाद कोमा लगेगा, फिर 4 2 5 4 4 के बाद कोमा लगेगा, तो ऐसा आंसर आएगा 7,752,283 483 आएगा, इसमें गलत लिखा हुआ है 483।